कल आप सब लोग जानते हैं कि नेहा पब्लिक स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है कब्बूपुर गांव का थाना मंसूरपुर के अंदर कल शाम से वीडियो वायरल हो रहा है। इसके संबंध में इंक्वायरी की गई। इसमें इंक्वायरी में ये सामने आई कि जो नेहा पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल है और जो वीडियो वायरल किया गया उनको उनका बच्चे का चचेरे भाई है। तो इसके बाद उनसे जो माता पिता है जब उनसे प्रशासन द्वारा अप्रोच किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा, तो उन्होंने FIR करने के लिए तहरीर देने के लिए एग्री नहीं किए। तो फिर सुबह जो डेवलपमेंट हुआ कि सुबह उन्होंने थाने में तहरीर दे दी गई और तहरीर दर्ज भी हो गया है, ये सूचना देनी थी। इसके अतिरिक्त बाल कल्याण समिति होती है ज़िले में, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, तो उसके तहत कमेटी द्वारा उनकी बच्चे को और उनके माता पिताओं को, स्पेशली बच्चों को, उनको काउंसलिंग किया गया है और काउंसलिंग चल रही है ताकि बच्चों को इस पर कोई ये ना हो। और इसमें जब क्योंकि तहरीर दर्ज हो गई, आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी एंड बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अलग से भी कार्रवाई चल रही है। कितने लोग शामिल हुए? इसमें जो तहरीर दिया गया, सारे जो तहरीर दिया गया था उनकी उनकी माता पिता द्वारा, वो सारी तहरीर दर्ज कर ली गई है। मौके पर प्रशासन लग गए? मौके पे देखिए, इसमें शांति व्यवस्था बनाने के लिए जो अधिकारी वो लगे हुए हैं एंड इसके अतिरिक्त ये भी कहना है कि JJ एक्ट के अंतर्गत बच्चे का नाम और उनका ये करना रिवील करना मना है, क्योंकि इस पर उनके बच्चे की मानसिकता पे पड़ती है। सभी से अनुरोध है कि इसकी एक्ट का गरिमा में ही रहे एंड आप सभी एंड जो बाल कल्याण समिति द्वारा इसको काउंसलिंग करके आगे कार्रवाई कर चल रही है। कोई मुजफ्फरनगर वासी कोई किस तरह की अपील सर? सभी से मुजफ्फरनगर वासियों से यही अपील है कि इसमें शांति व्यवस्था बनाए रखें एंड इस पे आगे धरीर दर्ज होगी, आगे कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।